आज आपने देखा होगा मैं हॉट सीट पर नहीं बैठा हूं। अक्सर हमारे स्टूडियो में न्यूज एंकर हॉट सीट पर मेन सीट पर बैठते हैं। आज हमने मेन सीट पर हॉट सीट पर बिठाया है कन्हैया कुमार को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कन्हैया को स्क्रीन पर लाइए जरा। कन्हैया आज हॉट सीट पर बैठे हैं और उनके दाएं और बाएं न्यूज 24 के चार रिपोर्टर, चार जर्नलिस्ट। कन्हैया कुमार सबसे बीच में, यहां मैं हूं, मेरे साथ यहां मेरे सहयोगी राजीव रंजन, जो कि जहां भी कुछ खबर घटना होती है वहां माहौल क्या है जानने के लिए निकल जाते हैं माइक लेकर। कन्हैया के दाईं तरफ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन बैठे हैं, इनसे बेहतर राजनीति समझने वाले देश में शायद बहुत कम होंगे। संजीव त्रिवेदी, जो कि खुद जेएनयू में हाल में जितना भी विवाद हुआ उसको करीब से देख रहे थे, दिन रात सुबह शाम कवर कर रहे थे। इस तरह का शो अब से पहले कन्हैया के साथ आपने नहीं देखा होगा। अब कन्हैया से सवालों की शुरुआत करते हैं। हम चारों तीखे सवाल लेकर तैयार हैं और मुझे यकीन है कन्हैया कुमार भी तैयार होंगे। किसी को नहीं रोका गया रजिस्ट्रेशन करने से कन्हैया है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है सर, बताएंगे जेएनयू के भी हैं वहां रिपोर्ट। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या रजिस्ट्रेशन करने से कन्हैया किसी को नहीं रोका गया वहां पर? देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट खुद ही नहीं करा रहे हैं, जो करा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जो करा रहे हैं वो वाइस चांसलर के जो मंडली के टीचर हैं, उन टीचर के अंदर जिनको पीएचडी करनी है उनको जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। 3,000 हैं। 3,500 का नंबर कौन का? 3,500 का नंबर है। और ये तो वाइस चांसलर अगर कह रहे हैं जिम्मेदारी से, तो बात तो मानना पड़ेगा। वाइस चांसलर जिम्मेदारी से 4,500 लोग ऐसे हैं जो नहीं कराए हैं। सुनिए, 3,500 के आसपास का आंकड़ा है। और एक बात, जो कराना चाह रहे हैं, वाइस चांसलर की बात को सही करने के लिए तैयार हैं। आपसे ज्यादा एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने वाला कम से कम आज की तारीख में इस देश में कम ही लोग हैं जो इस मुखरता के साथ सामने आते हैं। मैं 3,500 की बात छोड़ता हूं, मैं कहता हूं एक आदमी, मैं कहता हूं संजीव त्रिवेदी अगर स्टूडेंट हैं वहां पर, मानक गुप्ता हो, सुकेश हो, राजीव हो, एक आदमी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो बेशक कॉल दीजिए, आपका अधिकार है, आप कॉल भी दीजिए और कहिए, कन्विंस करिए। लेकिन सर्वर रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात किया जो कि वहां पर रोजी रोटी कर ले रहा है, 12,000 रुपये में सिक्योरिटी गार्ड है, बैठा हुआ है वहां पर। उससे मैंने पूरी कहानी सुनी, उस दिन की कहानी। मैंने वो तार उखड़े हुए देखे, वो सीसीटीवी का कटा हुआ मैंने देखा वो तार। पीछे जाकर के मैंने देखा सर्वर रूम के जो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है कि किस तरह से ग्रिल उखाड़ा हुआ था, दरवाजे तोड़े हुए थे। देखिए, प्रोटेस्ट स्टूडेंट जब कर रहा है तो उसका ये काम नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, ये पूरा जो आप डिटेल बता रहे हैं, उसमें आप दो चीज हाईलाइट कर रहे हैं। एक कि कोई अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको क्यों रोका जाएगा? किसी को भी फोर्सफुली नहीं रोका जा सकता है। जेएनयू में ये संभव नहीं है। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी चीज का समाधान निकाला जाता है। बात है ना, नहीं नहीं, जो उसकी बात करिए, व्यवहारिक बात है। रही बात इसे सर्वर रूम की, बात बार बार आ रही है। कभी कभी जो है ना, स्थिति अगर वहां पहुंच रही है उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। सर, किसी यूनिवर्सिटी में एक जायज बात के लिए 75 दिन से गतिरोध बना हुआ है, इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेवार है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है? सर, चलिए इस बात को भी बात कर लेते हैं। इसका मतलब कन्हैया ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अंदर आता है ये कि आप सर्वर रूम में तोड़फोड़ करिए, जिम्मेदार चाहे उस डेडलॉक के लिए कोई भी हो। अच्छा, क्या तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीके के अंदर में आता है कि सरकार कह रही है कि वाइस चांसलर जो हैं विद्यार्थियों से बात करके ये गतिरोध खत्म करें, और वाइस चांसलर जो है मनमानी तरीके से ये फीस लागू कर दी है? नहीं, अब देखिए, नहीं, यही बात कहना तरीका, आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन हर कमेटी का मेंबर होता है, इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन है, और कोर्ट से जीत करके जो है वो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। और ये वाइस चांसलर न सिर्फ इस यूनियन को, किसी भी यूनियन को यूनियन मानने के लिए तैयार नहीं है, और छोड़ दीजिए स्टूडेंट का, टीचर यूनियन को ये यूनियन मानने के लिए तैयार नहीं, उनसे ये बात नहीं करते हैं। मतलब जो रजिस्ट्रेशन के विरोधी थे उन्होंने तोड़फोड़ किया, रजिस्ट्रेशन मतलब तो आज हुआ सर्वर, है सर। इसका मतलब सर्वर रूम में घुस के उन्होंने तोड़फोड़ किया। रजिस्ट्रेशन तो आज है, जायज है। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो आज है, रजिस्ट्रेशन रोकने की नौबत क्यों आई? फीस कैसे बढ़ाई गई? मतलब रजिस्ट्रेशन रोका गया ना, डेडलॉक वहीं से शुरू हुआ। नहीं देखिए, रजिस्ट्रेशन रोका जाएगा, स्थिति है ही नहीं, आनी ही नहीं चाहिए सर। संस्कृति से पहले एग्जाम बायकॉट किया स्टूडेंट ने, उससे पहले क्लास बायकॉट किया स्टूडेंट ने, रजिस्ट्रेशन तो अब आया है, अभी जब सेमेस्टर खत्म हुआ है, एग्जाम हुआ है क्या भैया? ये लेफ्टिस्ट आइडिया है कि आप एग्जाम हुआ करेंगे सर, एग्जाम हुआ है,
कुछ लोग दिए हैं ना, कहाँ दिए? व्हाट्सएप पे? नहीं सुनिए सुनिए, क्या बात? नहीं नहीं सुनिए तो सही, व्हाट्सएप कुछ लोग देना चाहते थे व्हाट्सएप, और आपने क्या किया? नहीं एक मिनट, व्हाट्सएप पे एग्जाम लेंगे? सुनिए ना, आप क्या सेमेस्टर पढ़ा देंगे? क्लास हुआ है, सुनिए तो सही, क्लास हुआ है, एक मिनट, नहीं आप बोले क्लास हुआ है, नहीं हुआ है, एग्जाम हुआ है, तो ये व्यवस्था है ना, एडमिशन कैसे हो रहा है? 82 में हुआ था ना, एग्जाम का एडमिशन हो रहा है, और आप 1982 में बंद हुआ था एक साल के लिए, आप भूल रहे हैं, हमको याद है, इंसिडेंट है, सब याद है, अब तो सुनिए, सब याद तो करनी दीजिए, और जो लोग बंद हुए थे ना, आप वो वही लोग जो है, सुनिए, उसी लोग में से एक इंसान को नोबेल पुरस्कार मिला, के प्रेसिडेंट से बोल रहा हूँ मैं, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेएनयू के, अभी आप पत्रकार की हैसियत, मैं नहीं हूँ, मैं जेएनयू के प्रेसिडेंट से, आप मैं पत्रकार हूँ, आप सच बात बोलिए, सवाल बताइए, एग्जाम नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, व्यवस्था की गई है, आप सुनिए तो सही, रजिस्ट्रेशन पे सिर्फ बात कर रहे हैं, सुनिए, फीस कैसे बढ़ाई गई? देखिए कन्हैया नहीं सुन पा रहे हैं, आप कहने से सुन नहीं पा रहे हैं, कन्हैया सुन नहीं पा रहे, सुनिए, आपको ही पूरी बात नहीं बताएं, पहले पूरा बात पूछिए, पहले सुन तो